आज हम छात्रों कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय में अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन जिसका संकेत सी है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। प्रकृति में, पृथ्वी में जो कार्बन है उसका परसेंटेज कम है, उसके बावजूद भी कार्बन यौगिकों की संख्या प्रकृति में ज्यादा पाई जाती है। इसका कारण है कि उसमें अद्भुत श्रृंखला बनाने की एक क्षमता होती है। कार्बन एक अधातु तत्व है। और पृथ्वी में इसका जो परसेंटेज है वो 0.02% है। और प्रकृति में ये कार्बन मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, और जैसे ये यौगिकों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO3 ये यौगिक रूप में भी पाया जाता है। वायुमंडल में आप देखते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वायुमंडल में ये CO2 व CO। CO2 का नाम आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका प्रतिशत, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपने देखा ये 0.03% हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहती है। तो इस प्रकार कार्बन के यौगिक प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कार्बन में आबंध, सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। एक कहलाता है, 9th में आपने पढ़ा था कि विद्युत संयोजी आबंध। कार्बन में कार्बन परमाणु के साथ ही ये क्या करता है, बंध बनाता है। जैसे कार्बन के साथ ये एकल बंध भी बनाता है, कार्बन के साथ द्विबंध भी बनाता है, कार्बन के साथ त्रिबंध भी बना सकता है। सहसंयोजी बंध मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 4। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों से दूसरे तत्वों से साझा करता है। इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। ये अभी हम आपको बताएंगे कार्बन की परमाणु संरचना। तो किस प्रकार ये आबंध बनाता है, और ये जो सहसंयोजी आबंध होते हैं इससे जो यौगिक बनते हैं वो बनते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो ये जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं तो इनके बीच जो आबंध होता है वो बहुत मजबूत भी होता है, और ये क्या होते हैं, विद्युत के जो यौगिक होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब इनमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। और भी इसके अन्य गुण हैं कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो अन्य यौगिकों की अपेक्षा कम होता है। गलनांक मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू होता है वो गलनांक, और क्वथनांक जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू होता है वो क्वथनांक। तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं।
कार्बन की परमाणु संरचना। कार्बन का जो परमाणु भार है वो है 12, और कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो है 6। परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6, इसके प्रोटॉन भी कितने हैं 6, और इसमें न्यूट्रॉन भी कितने हैं 6। तो परमाणु भार का अर्थ होता है कि न्यूट्रॉन धन प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो जो कार्बन की जो संयोजकता है, सी की संयोजकता है वो है 4। कितनी है? 4। आप देखिए ये परमाणु संरचना देख रहे हैं, ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 6, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 4। ये इसका पहला कक्ष होगा, इसमें 2, और उसके जो दूसरा कक्ष है बाहरी कक्ष, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4। तो ये आपको मालूम है न्यूलैंड का अष्टक नियम, कि यदि वो 8 इलेक्ट्रॉन और 4 और चाहते हैं ताकि उनके बाहरी कक्ष में क्या अष्टक पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, उसको कुछ समस्या आती है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। यदि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर उसके मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 ऑलरेडी हैं, 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं 6, तो इस प्रकार इसको समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए ना ये इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, बल्कि क्या करता है, साझेदारी करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों से ये साझेदारी करेगा। अब हम पढ़ेंगे कि साझेदारी में कुछ सरल अणु हैं, जैसे हाइड्रोजन का बनना, हाइड्रोजन का संकेत है H, और ये इसका अणु सूत्र है H2। ये H क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। और H2 क्या है? अणु। तो ये हाइड्रोजन कैसे बनता है, ये हम आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन की संरचना देखिए, परमाणु संरचना, इसमें एक प्रोटॉन है और आप देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसका बाहरी कक्ष यह है, प्रथम कक्ष है ये। ये चाहता है कि हमारे प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो ये क्या करता है, एक एच दूसरे एच से क्या करता है, साझा करता है, और इस प्रकार ये साझेदारी से क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये H का है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा H लीजिए आप, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार H। यहाँ भी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस एच ने दूसरे एच से साझा कर लिया, तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि ये एक जोड़ा बन गया है, तो एच और एच के बीच में क्या आएगा, एकल बंध आएगा, और इस प्रकार बन जाएगा H2। तो यहाँ एच और एच के बीच में एकल आबंध है। क्या है? एकल आबंध है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन का बनना। ऑक्सीजन का संकेत है O, जो कि एक परमाणु को दर्शाता है, और ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र है ये क्या है, अणु सूत्र।
ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 16। ऑक्सीजन की जो परमाणु क्रमांक है वो है 8। तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने हुए? 8। इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 8। और न्यूट्रॉन भी कितने हुए? 8। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन 8 हैं, पहले कक्ष में 2 और दूसरे में 6। ये हो गया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों का वितरण। आप देख सकते हो ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और ये अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है। आप देखेंगे ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये ऑक्सीजन हो गया, तो इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन है, उसके भी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस ऑक्सीजन के पास 2, 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या किया? साझा किया। तो अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए? 8। तो यहाँ ओ और ओ के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो यहाँ पर कौन सा आबंध बन गया छात्रों? द्वि आबंध। और इस प्रकार ये O2 अणु बन गया। ये क्या है? O2 अणु बन गया। तो यह है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ रहे हैं। ऐसे त्रिआबंध भी होते हैं। आप देखेंगे अगला कि N2 का बनना। ये N नाइट्रोजन का तो यहाँ नाइट्रोजन का एक संकेत है ये N, और ये एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। और नाइट्रोजन का जो N2 है ये इसका क्या है? अणु। तो जो नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 14। इसमें इलेक्ट्रॉन भी साथ हैं, प्रोटॉन भी साथ हैं और न्यूट्रॉन भी साथ हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा इसमें वो होगा 2, 5। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पहले कक्ष में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के भी पहले कक्ष में 2, और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और ये क्या करता है कि साझा करता है, तो इसके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है? 3। और ये 3, 3-3 इलेक्ट्रॉन। इसके 2 ये हो गए, दूसरे कक्ष की बात कर रहे हैं, पहले कक्ष की में नहीं जा रहे, दूसरे कक्ष में जाते हैं। तो ये इसके 3 और इसके 3, तो इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, और इस प्रकार N2 का एक अणु बन रहा है। अब हम पढ़ेंगे मीथेन का बनना। मीथेन कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका सूत्र है मीथेन का CH4। ये मीथेन का सूत्र है।
इसमें कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के चार परमाणु भाग ले रहे हैं। आपको मालूम है कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए, ये कार्बन है, इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और हाइड्रोजन के भी एक कक्ष में। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के द्वारा दर्शा रहे हैं। ये तो इस प्रकार ये एच और ये एच, एच के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीन जैसा लग रहा है, एक है ये। तो इस प्रकार यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से आप देखेंगे एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और ये इसका संरचनात्मक सूत्र है। कार्बन की संयोजकता चार है, इसके चारों ओर ये चार इलेक्ट्रॉनों से साझा कर रहा है, तो इसलिए इसके चारों ओर हमेशा चार लाइन आनी चाहिए। तो देखिए, ये चारों ओर से एक एक हाइड्रोजन परमाणुओं से क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। ये सिंगल है, इसको मिटा दें क्या? इस प्रकार ये एकल बंध आता है। ये हो गया मीथेन का बनना। ऐसे ही अन्य यौगिकों की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। जो कार्बन है सी, ये प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है। तो ये अपर रूप का अर्थ है कि जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाए, जिनके भौतिक गुण अलग-अलग हों लेकिन रासायनिक गुण समान हो, तो उस गुण को बोलते हैं अपर रूपता। तो कार्बन के तीन अपर रूप पाए जाते हैं। पहला है ये कार्बन के अपर रूप, पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा आप देखते हो कोयला। आपने ग्रेफाइट देखा है, आपकी जो लिखते हो, जो पेंसिल की जो नोक होती है जिससे आप लिखाई करते हो, वो किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट। हीरा एक चमकदार है और ग्रेफाइट अधातु होते भी ये विद्युत और ऊष्मा का क्या है? सुचालक। और हीरा क्या? कुचालक पदार्थ है ये हीरा। और कोयला भी एक कुचालक ही है।
तो इस प्रकार ये कार्बन तीन रूपों में पाया जाता है और तीनों रूप इसके अलग-अलग होते हैं। हीरे की संरचना, हीरे में जो कार्बन के जो कार्बन का एक परमाणु दूसरे कार्बन के परमाणु से, आप देख सकते हो कि जो हीरा रहेगा वो कार्बन का जो एक परमाणु है वो दूसरे से इस प्रकार चतुष बंध बनाता है और बहुत मजबूती से बनाता है। इस प्रकार आप देखेंगे। तो ये कहीं भी इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार कार्बन, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से, ये कार्बन के क्या है, ये परमाणु है सी, बहुत मजबूती के साथ बंधे हुआ रहता है। और जो हीरा रहता है वो कठोर होता है और कुचालक होता है। और जो ग्रेफाइट होता है उसमें सुचालक का गुण पाया जाता है। आप देखेंगे कि ग्रेफाइट में षट भुजी इस प्रकार ये षटभुजी आकार बनाता है और एक परत, जो एक षटभुजी वो दूसरे परत के उससे ये कहीं कहीं ये यहाँ पर एक आबंध की जगह ये द्वि आबंध बनाता है। आप देखेंगे ये दूसरी परत से द्वि आबंध बनाता है। इस प्रकार एक परत दूसरी परत से क्या होती है, फिसा, एक षटकोणी परत दूसरी षटकोणी परत से क्या रहती है, बिल्कुल उसमें फिसलती है एक के ऊपर एक। तो जो षटकोणीय तल है वो एक के ऊपर एक जमे हुए रहते हैं और इसमें से क्या होता है कि द्वि आबंधी हो जाता है और ये विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। ये था कार्बन के बारे में। अब हम यहाँ पर मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ सकती है और सहसंयोजी यौगिक के गुण भी आ सकते हैं। धन्यवाद।